नमस्कार बच्चों, आज हम जो ड्राइंग कंपोजिशन करने वाले हैं उसमें हम डायनासोर पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल हमारा जो है कार्टेज शीट, पेंसिल एंड इरेजर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल कंपोजिशन है, आपको मैं बता दूं। वर्टिकल कंपोजिशन में लेंथ को ध्यान में रखकर हम पेपर को डिवाइड करेंगे। पेपर डिवीजन के लिए हम जो भी कंपोजिशन बनाएंगे उसको शेप के थ्रू मार्जिन रखेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बनाने वाले हैं सेंटर में एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद वन स्टेप है, टू स्टेप है। ठीक है, यहां से अब पीछे की तरफ हम इधर लेके आएंगे, ऊपर तक लेके जा सकते हो। ये हमारी बेसिक शेप है, हमने पेपर को शेप के थ्रू ही डिवाइड किया है। सेंटर में हमने सर्कल शेप लिया है। ठीक है, ये कार्व शेप है। इतना काम हमारा बेसिकली हो जाता है कि हमने ऊपर से भी इतना मार्जिन रखा है, नीचे से भी हमने लगभग इतना मार्जिन रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। इसी शेप को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पैरों के लिए, तो पैरों की जो शेप है वो किस तरीके से आपको बनानी है आपको बता देते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम ऊपर तक लेके जाएंगे, यहां तक। ठीक है, अब यहां पे हमने शेप रखनी है, फर्स्ट। ठीक है, इन शेप्स के थ्रू ही हम काम करेंगे। यहां पे भी इस तरीके से। ठीक है, इन शेप्स को फाइनल करते हुए इस तरीके से फाइनल करेंगे इनको। पीछे की लेग्स हमें बनानी है, जो ड्रॉ करनी है वो थोड़ी छोटी बनेंगी। इस तरीके से। ठीक है, इस वाले लाइन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, हम पैरों तक लेके जाएंगे, यहां तक थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए हम इसको इस तरीके से। ठीक है, अब बारी आती है फेस के लिए, तो फेस हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको भी हम शेप्स के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, हमने यहां पे शेप्स लेनी है, एग शेप। ये हमने एग शेप ली है, एग शेप को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देख पा रहे हो सब? बहुत आसान है, बिल्कुल ही इजी वर्क है। स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान होता है काम करना। यस, तो हमने ये बेसिक सी शेप एक तैयार कर ली है। इसको हल्का हल्का हम थोड़ा सा ठीक करेंगे, इस शेप को थोड़ा सा यहां से काट देंगे और यहां से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस को हम रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस को हम सभी लाइनों को रिमूव कर देंगे, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन ना रहे। जैसे कि हमने शेप्स के लिए ये लाइनें ली थी, शेप्स ली थी, उनको हम रिमूव कर रहे हैं।
फाइनल ड्राइंग को हल्का सा डार्क कर रहे हैं। तो जो ड्राइंग है हमारी, डायनासोर ड्राइंग हमारी रेडी है। पीछे का जो बैकग्राउंड है उस पर भी हम थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो बैकग्राउंड हमारा रेडी है। आगे का काम हम कलर्स में स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम जो कलर्स चूज करने वाले हैं उनमें एक टोन है ब्राउन की, ब्राउन टोन हम यूज करेंगे कलर्स में। ऑयल पेस्टल कलर यूज कर रहे हैं और हल्का सा वाइट का टच भी देंगे। तो वाइट टच के लिए व्हाइट कलर हमने लिया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो जहां जहां पे हमने पहले व्हाइट करना है वहां वहां पे हम हल्का सा ऑयल पेंसिल के साथ में पेपर पर व्हाइट कलर फिल कर लेते हैं। तो कुछ एरिया है जो हमें यूज करना है व्हाइट के लिए, हमने पहले व्हाइट मार्कर लिया है। व्हाइट कलर फिल करने के बाद बारी आती है ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन टोन हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। के साथ कलर फिल करते हुए जहां पर हमने व्हाइट लिया है, व्हाइट को हम हल्का हल्का मर्ज करेंगे ब्राउन के साथ में,
ताकि दोनों कलर की जो मिक्सिंग है वो इजीली हो जाए और वो सुंदर भी दिखाई दे। हल्का सा येलो ओकर की टोन हम लेंगे। येलो ओकर की टोन को हल्के हल्के हाथ से ऊपर की तरफ फिल करेंगे। यस। पीछे के बैकग्राउंड के लिए हम ग्रीन की टोन लेंगे। सिंपल ग्रीन कलर हमने ऑयल पेस्टल कलर में लिया है, लीफ ग्रीन। पीछे वाले माउंटेन्स में हम कलर फिल कर रहे हैं। ये एरिया व्हाइट रखेंगे, ऊपर वाला स्नो रिफ्लेक्शन हम दिखा रहे हैं, उसमें स्नो का विजन ही है। यहाँ पे डीप येलो कलर है, हल्का सा डीप येलो कलर का रिफ्लेक्शन हाईलाइट, जहाँ पे ट्रीज की हाईलाइट होती है, ग्रीनरी की हाईलाइट होती है, वहाँ पे हम डीप येलो कलर हमने लिया है। और बाकी एरिया में हमने वही ग्रीन कलर फिल किया है। ठीक है, वापिस से डीप येलो के साथ में ग्रीन को हल्का सा मर्ज करेंगे। इस तरीके से फ्लोरोसेंट ग्रीन मेरे पास है, इसको हम यहां पे नीचे वाले बैकग्राउंड में कंप्लीट फिल करेंगे। फ्लोरोसेंट ग्रीन स्काई में हम लाइट कलर लेंगे, लाइट ब्लू की टोन है।
उससे पहले हम हल्का सा एक वाइट का कोट हल्का सा फिल कर लेंगे। ब्लैंक पेपर पर हम वाइट का कोट एक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। उसके बाद हम ऊपर से ब्लू करेंगे। वापिस से वाइट लेंगे और हल्का हल्का ब्लू के ऊपर से ही कलर्स को मर्ज करते हुए, ब्लू को हल्का हल्का मर्ज करते हुए हम कंप्लीट करेंगे। कलर्स हमने कंप्लीट फिल कर लिए हैं। इसके बाद बारी आती है आउटलाइन की। आउटलाइन के लिए मैं डबल ई पेंसिल ले रहा हूँ, स्टेडलर डबल ई। ये वैक्स बेस्ड पेंसिल है, ओविल पेंसिल पे ही बहुत अच्छे से काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आउटलाइन का काम। इस तरीके से हमने अपनी जो कंपोजिशन है, डायनासोर कंपोजिशन कंप्लीट कर ली है। काफ़ी इजी ड्राइंग है और कलर्स भी बहुत ही सिंपली और इजी हैं। आप लोग अच्छे से कर पाओगे, मुझे उम्मीद है। जब भी आपको समझ में ना आए, आप रिवर्स करके पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।